सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसलिए इस वीडियो को अगर आप देखने के लिए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आगे बढ़े, और चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहे ताकि आपके लिए भी लगातार हम आपके सीनियर की तरह कार्य करते रहें। देखिए, परीक्षा पर चर्चा करने वाले ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि बेसिकली आप अभी अपने बोर्ड की पढ़ाई को ख़त्म करके अभी टेक्निकल फील्ड में आए हो, कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, हॉस्टल अलाउट हो गया होगा, उसके बाद में आपके मन में चलता है कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, एग्ज़ाम किस तरह से होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में पढ़ाई कर रहे हो। ये आपका CBSE या फिर जैक बोर्ड नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, JUT नाम है। JUT का फुल फॉर्म होता है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आप पढ़ाई करें तो इसका जो भी नियम कानून आज तक चलते हुए आ रहा, उसी नियम कानून को आपको भी मानना और आपको भी उसी पर कार्य करना है। सबसे पहले समझते हैं कि न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। न्यू सिलेबस मतलब होता है जिन भी विद्यार्थी का एडमिशन 2017 के बाद हुआ, मतलब 17 वाले बच्चे भी हैं न्यू सिलेबस में, 18 वाले भी हैं, 19 वाले भी हैं, और डिप्लोमा का सेशन 3 सालों का होता है, ठीक है। मेरा बैच था 19-22 बैच था, ठीक है, 17 का 20 बैच था, 18 मतलब कि 18 में एडमिशन हुआ और पास आउट कब हुए तो 21 में हुए। उसी तरह से 2023 आपके सुपर सीनियर का ये बैच हुआ, आपके जो जस्ट सीनियर है ना उनका बैच हुआ 2021 से 2024, और आपका बैच हुआ 2022 से लेके 2025। तो ये सभी विद्यार्थी न्यू सिलेबस में कहलाएंगे। ओल्ड सिलेबस या फिर MSBT ये सब चीज़ इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ ताकि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में कभी कोई नोटिस देखने को मिलेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नोटिस किसके लिए था। MSBT या फिर ओल्ड सिलेबस मतलब हो जाता है जिनका एडमिशन 2017 से पहले हुआ, 16 में हुआ, 2015 में हुआ, 2014 में हुआ, 2013 में हुआ, ये सब होते हैं ओल्ड सिलेबस वाले, ठीक है। तो आपका सिलेबस का नाम क्या है, न्यू सिलेबस मतलब SBT झारखंड, इसके अंदर में आप पढ़ रहे यूनिवर्सिटी का नाम हो गया JUT। अब हम लोग समझते हैं कि भैया आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है अभी वर्तमान में तो उसको बोला जाता है इंटरनल एग्ज़ाम, मतलब वो कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, वो कॉलेज वाले आपसे स्नैप टेस्ट ले रहे हैं, इंटरनल ले रहे हैं, वो कॉलेज अपने स्तर तक ही रखेगा, क्वेश्चन भी कॉलेज सेट करेगा, कॉपी भी कॉलेज चेक करेगा, नंबर भी कॉलेज ही पुट करेगा। बट जो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम इसको कहा जाता है, ये कब होगा, कैसे होगा, ये एग्ज़ाम का महीना क्या है, तो ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है मार्च में। कब होगा, तो मार्च महीना में होगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो ये एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल एग्ज़ाम का आपका सेंटर पड़ेगा आपके खुद के कॉलेज में नहीं, बल्कि आपके आसपास में जहाँ पे भी आपका सीनियर का सेंटर पढ़ते हुए आ रहा है वहीं पे आपका भी सेंटर पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एग्ज़ाम कितना है, मतलब जितना भी आपका थ्योरी पेपर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 12 पेपर है, 12 में आपका 8 प्रैक्टिकल और सेशनल पेपर है, तो इसका एग्ज़ाम कॉलेज लेवल में ही हो जाएगा। बट जो 4 पेपर हैं इसमें जो 80-80 नंबर का लिखा हुआ ना एक्सटर्नल, आप अपना सिलेबस को देखिएगा डाउनलोड करने के बाद, ऐसे इसके पिछले वीडियो में बता चुका है, बहुत कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को टाइम टू टाइम अपडेट देखते रहिएगा। 80 नंबर का जो भी एग्ज़ाम होगा ये सभी एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम सेंटर पर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है, तो एग्ज़ाम टाइमिंग के लिए आपको 3 आवर्स 3 घंटा का समय मिलेगा। एग्ज़ाम पेजेस 32 पेज का आपको आंसर शीट मिलेगा, उस 32 पेज में आपको ये नहीं देखना है कितना पेज भर देने से आप पास करिएगा, बल्कि ये देखना कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछा गया है उसका सही सही उत्तर को दीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा, और घुमा फिरा कर देने में सोचिएगा तो फिर आपको नंबर अच्छा से नहीं आएगा, ठीक है। और रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट इसका अप्रैल महीना में आ जाएगा। ये हो गया पूरा एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बारे में। अब अच्छा करना कैसे, देखिए अच्छा करने का बहुत सिंपल फार्मूला है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है कॉलेज लेवल के स्तर में उसको आप पढ़िए, और पढ़ने के साथ में रूम पर आने के बाद, चाहे आप हॉस्टलर हो या फिर स्कॉलर हो, रूम में आने के बाद डेली उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, रिविज़न कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और 80 नंबर में से ये सोचिए कि मुझे किस तरह से 50+ नंबर लेके आना है। डिप्लोमा में होता क्या है कि अगर आपका 60% आता है तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न, अगर आपका आता है 75% या इससे ऊपर तो मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न प्लस डी, मतलब डिस्टिनेशन, ये जो लग जाता है ना डी, ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट माना जाता है, 75 या 75 से ऊपर वाले बच्चे को ही मिलता है डी, ठीक है।
इसलिए प्रयास कीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक की पढ़ाई ऐसा कीजिए कि हर सर्टिफिकेट में आपका डी लगा हुआ रहे, डिस्टिनेशन वर्ड लगा हुआ रहे, ठीक ना। इसलिए पढ़ाई को बरकरार रखिए। और ऐसा नहीं कि आपको समझ में, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी बोर्ड से आते हैं, जैक बोर्ड से आते हैं, उनको दिक्कत होगा थोड़ा स्टार्टिंग में इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिख बोलने में, बट धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। यूट्यूब के मदद लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का वीडियो अपलोडेड रहता है। हाँ ये है कि आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो कहीं देखने को नहीं मिले। करना क्या पड़ेगा आपको कि जो भी यूनिट आपका सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है, इसमें 122 सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट में 5 चैप्टर है, 3, 4, 5। अब ये चैप्टर का नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ, इसका नाम है जी एच आई। अब ये ए बी सी को लिखिएगा तो टॉपिक नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत लेंदी मिलेगा, आपके काम करने होगा, बल्कि आपके ऊपर लेवल का होगा। बट ये ए बी सी का नाम जो जो सब यूनिट को पढ़ना है ना, जैसे छोटा ए बी सी डी जो यूनिट हुआ, छोटा डी ई एफ, इसको लिखिएगा यूट्यूब में, तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए किसी भी चैनल का, चाहे वो झारखंड वाले हो, बिहार वाले हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं के टेक्निकल को वीडियोज अपलोड उसको देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और बना बना कर लिखना स्टार्ट कीजिए। ये एग्जाम में आपको बेटर करना, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कर दिए तो पूरे कॉलेज लाइफ में आपका नाम आपको सब लोग पहचानेंगे, आपको टीचर्स कि हाँ ये बच्चा अच्छा पढ़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में गड़बड़ा दीजिएगा तो फिर आगे जाके कितना अच्छा कीजिएगा तो लगेगा नहीं अच्छा नहीं पढ़ता, फिर आपके ऊपर डाउट रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी समय है, पूरा फरवरी समय है, पूरा मार्च समय, आधा मार्च समय है और फरवरी समय, ये 1.5 महीना में पढ़िए मन से और अपना रिजल्ट को अच्छा कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम से कुछ दिन पहले हम आएंगे और पढ़ा भी देंगे आप लोगों को कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरह से लिखना है, कौन सा क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, हर एक चीज़ बताएंगे। मगर कब, जब इस वीडियो में लगभग 2000 व्यूवर चला जाएगा, 2000 व्यूवर। आप लोग बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बना के शेयर तो कर देते हो, बट कुछ लोग क्या करते हैं, लिंक को डिलीट कर देते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों को भेजिए, अपने स्टेटस में लगाइए, ताकि हमको सपोर्ट मिलेगा तो आपके लिए हम खुलकर काम कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।